Hi friends, welcome to Traveling Tadka. Technology, development, concrete jungles, fast and unhealthy life, pollution, ये सारी चीज़ें हम daily life में experience कर रहे हैं और इसी के opposite है simple and healthy lifestyle, village lifestyle. Summer vacation हो या फिर कोई उत्सव, हमें village की याद आती है. तो इसी को ताज़ा करने के लिए और village life का experience लेने के लिए चलते हैं सोमेश्वरवाड़ी ग्राम संस्कृति उद्यान, जहाँ village life को हूबहू साकारा गया है. तो चलिए विलेज लाइफ की यादें ताज़ा करते हैं. यहाँ पर आपको पर पर्सन 50 रुपीज़ और चिल्ड्रंस के लिए 30 रुपीज़ एंट्री टिकट है. एंट्री गेट पर आपको छत्रपति शिवाजी महाराज जी और जिजाऊ जी की प्रतिमा दिखाई देगी. इस पार्क में एंट्री करते ही आपको खुद के गांव में जाने का एहसास होता है. इस पार्क में हमारी विलेज लाइफ को हूबहू पुतलों के माध्यम से साकारा गया है, ताकि आने वाली जनरेशन्स को हमारी भारतीय संस्कृति का पूरी तरीके से परिचय हो जाए. यहाँ पर आपको वैद्य और मरीज दिखाई दे रहे हैं, जो हमारी पुरानी वैद्य सर्जन शिक्षा को प्रतीत करता है. यहाँ पर नागपंचमी उत्सव मनाया जा रहा है और ये है गृह पूजा. यहाँ पर आपको पुजारी, ज्योतिषी, जनरल स्टोर, वासुदेव, सारी एक्टिविटीज दिखाई गई है. ये है गांव कट्टा, जहाँ ग्रामस्थ चर्चा या विश्राम करते हैं. घर का डेली रूटीन भी बहुत बारीकी से दिखाई गया है. यहाँ पर आपको टेलर शॉप, ग्रामस्थ के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ग्राम पंचायत दिखाई गई है. चूड़ियों की दुकान भी यहाँ पर बनाई गई है. बच्चे टेक्नोलॉजी से दूर आउटडोर गेम्स जैसे गिल्ली डंडा, क्रिकेट, कबड्डी खेलते दिखाई देते हैं. यह है शादी का मंडप, जिसे बहुत बारीकी से दर्शाया गया है. हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ खेती को और खेती में करने वाले काम, गाय भैंस की प्रतिमाएं साकारी गई है और ग्रीनरी को भी बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है. इस पार्क में श्री पद्मावती देवी जी का एक सुंदर और आकर्षित पुराना मंदिर है और यहाँ के ग्रामस्थ इस देवी की मनोभाव से पूजा करते हैं. इसी मंदिर के बाजू में गांव में होने वाले कीर्तन का कार्यक्रम दिखाई गया है. ये है पोतराज, जो महाराष्ट्र में प्रसिद्ध लोक कलाकार है, जो मरियाई अथवा कड़क लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है, जो अपने हंटर के प्रहार से लोगों की विपत्तियों को दूर करता है और देवी की कृपा भक्तों तक पहुंचाता है. इस पार्क में टोटल 500 से अधिक पुतले बनाए गए हैं और इनको बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन रखा जाता है. यहाँ शिल्पकार, अत्तर वाला, मुर्गे, खेत में काम करने वाले लोग, लमान स्त्री, भैंस धोने वाला, लकड़ी तोड़ने वाला, इन सारे लोगों की प्रतिमाएं बहुत ही हूबहू साकारी गई है. यहाँ वेल मेंटेन्ड एंड क्लीन वॉशरूम्स अवेलेबल है. इस पार्क में एक छोटा सा एनिमल पार्क भी बनाया गया है, जिसमें अवेलेबल है बाघ, लायन, जेब्रा, गेंडा, मगरमच्छ, बंदर, हिरन और घोड़ा. यह है पाटिलवाड़ा, जो कि गांव के प्रमुख का होता है. पाटिलवाड़ा में एंटर करने से पहले यहां हमें तुलसी का वृंदावन दिखाई देगा. वाड़ा यानी बड़ा घर, जिसमें ज्यादातर सागवान लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है.
इसके दरवाजों पर भी बहुत ही सुंदर नक्शीकाम किया गया है। इस वाड़ा के अंदर जाते ही हमें गाय, बैल, घर का काम करते हुए लोग दिखाई देते हैं। और एक अलग से बड़े कमरे में गाय, बैल, भैंस के लिए गोटम यानी गोठा बनाया गया है, जिसे देखकर ये असली होने का भास होता है। पाटिलवाड़ा देखकर हम बाहर निकले। यह क्लीनलीनेस और ग्रीनरी को बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है। ये बच्चों के लिए एक परफेक्ट वन डे पिकनिक स्पॉट है। यहाँ की दीवारों पर भी गांव के जीवन का वर्णन किया गया है। टेक्नोलॉजी, पोल्यूशन, ट्रैफिक, भीड़ से कोसों दूर और शुद्ध हवा, नेचुरल फूड, डेली वर्क, हेल्दी लाइफस्टाइल के बेहद करीब गांव के लोग अपना जीवन बहुत ही अच्छी तरीके से गुजारते हैं। जब घर के प्रमुख कोई भी शुभ कार्य या बैलगाड़ा शर्यत के लिए जाते हैं, तब गृहिणी उनका ऑक्शन करती है और काम में विजयी होने की शुभकामनाएं देती है। गांव में अपना घर चलाने के लिए लोग कपड़े इस्त्री करने का काम, जूते चप्पल सिलने का काम, नॉनवेज शॉप, टोकरी बनाने का काम करते हैं। लोगों के मनोरंजन के लिए और मल्लों की क्षमता और बल दिखाने के लिए कुश्ती का आयोजन किया जाता है। गांव में साप्ताहिक बाजार का आयोजन ग्रामस्थों द्वारा किया जाता है, जिसमें लोग धान्य, फल, सब्जियां, कुछ मनोरंजन की चीजें, खिलौनों के शॉप्स, साड़ी की दुकानें लगाते हैं, जिससे व्यापार बढ़ता है। और मनोरंजन के लिए ट्रेडिशनल लावनी प्रोग्राम रखा जाता है, जो कि एक डांस फॉर्म है और वो ढोलकी के बीट्स पे परफॉर्म किया जाता है। यह दशहरा उत्सव का चित्रीकरण, जो कि गांव और शहरों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। राम भगवान, लक्ष्मण, रावण और हनुमान जी की आकर्षित मूर्तियां यहाँ पर स्थापित की गई है। गांव के लोग डेली वर्क के लिए कुएं से पानी निकालते हैं और बैलों की शर्यत का आनंद भी हम सिर्फ गांव में ही ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो देखकर आपको आपके गांव की याद जरूर आई होगी और आपकी पुरानी यादें जरूर ताजा हुई होगी। सो प्लीज ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और आने वाली हर एक नई वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।